अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपको इस्लामाबाद की सबसे बड़ी एक्टिविटी और सबसे बड़ी हैपनिंग उसकी तरफ लेके आए हैं कि दिखाते हैं कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। तो इस्लामाबाद में चल रहा है एहतजाज, इस्लामाबाद में हुए हैं इकट्ठे पीटीआई के कारकुन, क्योंकि इमरान खान की पेशी आज इस्लामाबाद की कोर्ट में, G11 वाली कोर्ट में, कश्मीर हाईवे पर इस वक्त सारे लोग इमरान खान का वेट कर रहे हैं। खान की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है आज क्योंकि उनकी पेशी है, तो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा? अच्छा, आप ये देख लें कि कह रहे हैं कि खान को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा। अब आप ये देखा करें कि जब खान की पेशी होती है या खान को गिरफ्तार करने के लिए बात ही होती है तो लोग सड़कों पे किस तरह निकल आते हैं, तो फिर सोच लें कि जब खान को हाथ लगाएंगे तो फिर क्या होगा। क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या फैसला कुछ आने वाला है गिरफ्तारी के बारे में? क्या कहते हैं? देखिए, ये तो अभी इनकी मुनाफाना चैलेंज का तो हम नहीं अभी असेसमेंट कर सकते। नज़र तो यही आ रहा है कि ये हर सूरत में इमरान खान की गिरफ्तारी भी करेंगे और इसको हर तरह का नुकसान पहुंचाकर अपने मकासद को पहुंचेंगे। मैं भी इस जहाद में अपनी लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए अल्लाह के यहाँ यहाँ पेश हुआ हूँ और मैंने जिन्ने शाह से एक सबक सीखा और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उसमें। मैं कई दिन से उसकी ज़िंदगी पर गौर फिक्र कर रहा था जी, तो मैं उसकी गौर फिक्र करते हुए उस पॉइंट पे पहुंचा कि या अल्लाह तूने इसको पसंद कर लिया, मैं भी तो रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मुझे तो आपने नहीं पसंद किया, आपने उसको पसंद कर लिया, क्या उसमें खूबी थी? तो पता लगा कि जब ये गिरफ्तारी हुई सब बंदे नीचे सारे ऊंधे लेटे हुए, पीछे से हाथ बांध के सबको कहा नीचे उल्टे लेट जाओ। अगर मैं भी होता ना तो मैं भी उस वक्त उनके साथ नीचे ही लेटा होता जो उनके साथ उनके कहने पे। जी जी। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ सबसे पहले, लेकिन जिले शाह उस वक्त जुल्म के सामने डटा रहा और उधर भी नारे लगाता रहा, वो झुका नहीं, अल्लाह को यही अदा पसंद होगी। क्या सिखाया उसने, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने लगा हूँ कि अगर इंसान ने झुकना है ना तो सुभान रब्बे या लला, और मुझे इसी तरह जुल्म के खिलाफ डटना है, मुझे इसी तरह जुल्म के खिलाफ डटना है, मुझे यही जिले शाह ने सिखाया है। और आज कोई बंदा इधर जो मुझे इधर दिखाओ, मारो मुझे, मार के दिखाओ, मैं फर्दे भाई तुम सबको चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हो, करके दिखाओ, मेरे सब मेरा रब है, मैं हक पे हूँ, किसी की जरूरत है तो वो इमरान खान को गिरा के दिखा दे। सुबह से आप लोग आए हुए हैं, थके नहीं आप लोग नारे लगा लगा के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गला बैठ जाएगा, लेकिन इमरान खान के लिए ये जज्बात बिल्कुल कभी भी नहीं बैठेंगे। ये आज की यूथ जो मैं इनमें जज्बा देख रही हूँ ना, उन्हें देख के मुझ में और भी जज्बा आ जाता है, तो बस और क्या कह सकती हूँ मैं आपको, इमरान खान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। ये सारे जो इश्यूज चल रहे हैं तो आप लोगों को रोज मूवमेंट कोई ना कोई करनी पड़ती है, तो कब तक चलेगा सिलसिला? भाई जान, हम तो खुदा की कसम रोने आ रहा है, मतलब दिल इतना उदास है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरा तो मुल्क से भी दिल टूट गया है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो नाजायज, अल्लाह का खौफ करो, इन मुल्क पे रहम करो, मुल्क किधर कड़ा है, लोग गरीब मर रहे हैं, इन लोग ये किस हथकंडों पे उतर आए हैं, मुझे तो खुदा की कसम जो है ना, मैं तो बिल्कुल पागल हो गए हूँ, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद। 25 मई को भी जो इन लोगों ने किया, जमान पार्क में जो इन लोगों ने किया, अवाम ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया, ये अवाम के टैक्स के पैसों पे चलने वाले लोग, इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए। हम तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं, पाकिस्तान के पास सारे रिसोर्सेज थे, पाकिस्तान ने क्यों नहीं तरक्की की, सारी दुनिया तरक्की कर चुकी है और पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क होते हुए क्यों नहीं तरक्की, क्योंकि हम जान चुके हैं कि असल वजह क्या थी। और ताजी, ये क्या हो रहा है आज, इधर क्यों लोग इकट्ठे हैं? ये इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान। क्या लगता है, इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इमरान खान ने किया क्या है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए? ये तो सारे सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इंशाल्लाह अनकरीब ही इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। और अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक अगर इमरान खान ना रहा तो हम आने वाले 50 साल इस गुलामी के दलदल में धंस चुके होंगे, हमारी आने वाली नस्लों के सौदे हो चुके होंगे, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता है और हम महंगा बेच रहे हैं, अपने लोगों को हम महंगा दे रहे हैं, दुनिया के किस मुल्क में इस तरह होता है?
और जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है वो हम अपने पुलिस वालों को आंसू गैस के शेल दे के इसी आवाम पे बरसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से आप लोग सड़कों पे और कुछ हैपनिंग्स उल्टी सीधी हो रही हैं, हर किस्म की हैपनिंग के लिए आप तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके तो देखें, ये पिछले एक साल से इस एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में है, लेकिन इनको पता है कि आवाम जो है इन पर इमरान खान को हाथ नहीं डालने दे रही, इसीलिए डरे हुए लोग हैं। जीतेगा।